नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एचपी जीके का सेक्शन है, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 151 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन एल्पाइन जोन। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है इनमें से जो एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्पाइन जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा जिला नहीं आता है। तो एल्पाइन जोन में एक तो किन्नौर आता है, दूसरा लाहौल स्पीति आता है, तीसरा चंबा के कुछ पार्ट्स आते हैं। शिमला जो है वो एल्पाइन जोन में नहीं आता। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये जो एल्पाइन जोन है, इसको ग्रेटर हिमालयन जोन भी कहा जाता है। और हिमालयज के बारे में एक और बात याद रखिए कि हिमालयज जो है वो यंग माउंटेन्स हैं। ये यंग माउंटेन्स हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंग माउंटेन, तो हिमालयज का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, द यमुना रिवर लीव्स हिमाचल प्रदेश नियर। तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ देती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला के समीप छोड़ देती है। ताजेवाला ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये ताजेवाला के समीप जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। यमुना नदी के बारे में बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यमुना नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कहाँ पर एंटर करती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में खादर मांझी नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। और ताजेवाला में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। और कहाँ पर एंटर करती है, ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। यमुना की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनमें टोंस आता है, बब्बर आता है, गिरी आता है। उसके बाद ये जो टोंस, बब्बर, गिरी हैं, इनकी भी आगे चलकर सहायक नदियाँ हैं। तो जैसे कि गिरी हो गया, तो गिरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो असनी आती है, जलाल आती है, ये सब गिरी की सहायक नदियाँ हैं। बब्बर भी जो है यहाँ पर एक सहायक नदी है यमुना की। बब्बर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि बब्बर नदी कहाँ से निकलती है। तो बब्बर नदी जो है वो चंदर नाहन लेक से निकलती है। ये आप याद रखिए बब्बर नदी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, जलोरी पास इज लोकेटेड इन, ये जो जलोरी दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है। दर्रों के बारे में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दर्रा कुल्लू में पड़ता है। ऑप्शन बी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। कुल्लू में एक तो एनिमल दर्रा पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है एनिमल दर्रा, ये कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में रसोल दर्रा पड़ता है, कुल्लू में चंदर खानी दर्रा पड़ता है, कुल्लू में तैंती दर्रा पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे तो कुछ कुल्लू में पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो चंबा को जो है वो भरमौर से जोड़ते हैं, या फिर चंबा को पांगी से जोड़ेंगे वो, या फिर वो चंबा में स्थित होंगे। तो जैसे कि साच दर्रा हो गया, ये चंबा को पांगी से जोड़ता है। दराती दर्रा हो गया, ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। बसोधन दर्रा हो गया, बसोधन दर्रा जो है ये चंबा को भटियात से जोड़ता है। पादरी दर्रा हो गया, पादरी दर्रा इंपॉर्टेंट है, ये दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे आपको याद रखने हैं। ये अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया तेम्पोला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो तेम्पोला दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है। इस दर्रे के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर इज नलाती ग्राउंड लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में नलाती मैदान कहाँ स्थित है। ये जो नलाती ग्राउंड है ये हिमाचल प्रदेश के सराहन में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब सराहन में स्थित है नलाती ग्राउंड, ये तो आपको पता चल गया। एक तो धर्मशाला स्टेडियम है जिसके बारे में आपको पता होगा। तो धर्मशाला स्टेडियम में जो था वो पहला मैच कब खेला गया था। तो यहाँ पर पहला जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था वो खेला गया था 27 जनवरी 2013 को। ये भारत और इंग्लैंड के बीच में जो था वो खेला गया था। धर्मशाला स्टेडियम काफ़ी फेमस स्टेडियम है। साई साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो है छात्रावास कहाँ पर स्थित है। तो इसका खेल छात्रावास जो है वो बिलासपुर में स्थित है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। पर्वतारोहण संस्थान जो है वो मनाली में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो उन सभी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी एक नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम बाई चांस हमने रखा है, और इसमें हमने अभी तक कुछ एक वीडियोज इंट्रोड्यूस की हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कहलूर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो निम्नलिखित में से कौन से कहलूर के शासक ऐसे थे जो अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन कौन थे, ज्ञानचंद ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन इसलिए इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कहलूर जो था वो किस राजा के शासनकाल के दौरान जो था वो मुगलों के अधीन आया था। तो कहलूर ज्ञानचंद के शासनकाल के दौरान जो था वो मुगलों के अधीन आया था।
अब अगर बात करें हम ज्ञानचंद के बारे में, तो देखिए ज्ञानचंद ने जो था इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था, और ज्ञानचंद का जो मकबरा है वो कीर्तपुर में स्थित है। अब बात करते हैं कहलूर रियासत की। तो देखिए कहलूर रियासत जो है, इसकी नींव जो था वो वीरचंद के द्वारा रखी गई थी। वीरचंद ने इसकी जो नींव जो था वो कब रखी थी, तो 900 ईस्वी के आसपास जो था वो वीरचंद के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ये भी पूछ जाता है कि कब कहलूर रियासत की स्थापना की गई, तो 900 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की गई। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में जो बिलासपुर है, तो बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में की गई थी, और राजा दीपचंद के द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे बिलासपुर और कहलूर दोनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 AD। तो गुलेर रियासत जो था इसकी स्थापना 1405 ईस्वी में किसने की थी। गुलेर जो था वो कांगड़ा की एक शाखा थी, तो कांगड़ा से ये अलग हुआ था। इसकी स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हरिचंद ने गुलेर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कब की थी, तो 1405 में जो था इसकी स्थापना की गई। गुलेर रियासत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र ने जो था वो कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने के लिए जो था वो मुगलों की सहायता की थी। और अगर पूछ लिया जाए कि गुलेर के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन, तो राजा रामचंद्र ही जो था वो गुलेर के ऐसे राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। और गुलेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो गुलेर रियासत के अंतिम शासक जो था वो थे राजा भूप सिंह। ये सब आप याद रखिए गुलेर के बारे में। 157 क्वेश्चन देखिए, 157 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेवर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट। इनमें से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं रही, कुल्लू की राजधानी इनमें से सैंज कभी भी नहीं थी। ऑप्शन डी सैंज जो है वो सही आंसर है। अब अगर बात करें कुल्लू की कैपिटल्स के बारे में, तो कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। विहंग मणिपाल की राजधानी जो था वो जगतसुख में हुआ करती थी। फिर उसके बाद कुल्लू की राजधानी जो था वो जगतसुख से बदल कर जो था वो नगर को स्थानांतरित कर दी गई। ये काम किसने किया, ये विशुद्ध पाल के द्वारा किया गया कि जगतसुख से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके नगर को कर दी। फिर उसके बाद नगर से भी राजधानी को शिफ्ट किया गया और सुल्तानपुर ले जाया गया। तो ये किसने किया, ये राजा जगत सिंह ने किया। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, तो राजा जगत सिंह जो था वो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब ने जो था वो कुल्लू के किस राजा को कुल्लू का राजा कहा था, तो औरंगजेब ने जगत सिंह को जो था वो कुल्लू का राजा कहा था। कुल्लू की यात्रा जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा भी की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब कुल्लू की यात्रा की, तो उस समय कुल्लू के शासक कौन थे, उस समय कुल्लू के शासक राजा राज सिंह हुआ करते थे। तो ये सब आप कुल्लू के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ कसौली कैंटनमेंट। तो कसौली जो छावनी थी इसमें जो विद्रोह हुआ था इसकी अगुवाई किसने की थी, तो कसौली छावनी में जो विद्रोह हुआ था इसकी अगुवाई जो था वो सूबेदार भीम सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है, सूबेदार भीम सिंह। अब देखो हुआ क्या था, ये जो कसौली था यहाँ पर जो था वो नसीरी बटालियन हुआ करती थी। ये 1857 की बात है, यहाँ पर नसीरी बटालियन हुआ करती थी। इसमें जो था एक सूबेदार थे जिनका नाम था भीम सिंह, ये बहुत बहादुर हुआ करते थे। और 1857 में इन्होंने क्या किया कि ये जो अंग्रेजी सैनिक थे इनके ऊपर हमला कर दिया और इन्हें जो था वो हरा भी दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो यहाँ की ट्रेजरी थी जहाँ पर खजाना रखा जाता था उस खजाने को भी लूट लिया। इन्होंने लगभग 40,000 की राशि जो था यहाँ से लूट ली थी। ये जो इनकी टीम थी पूरी, इसमें लगभग 40 से 45 क्रांतिकारी जो था वो थे। इन्होंने लगभग 200 अंग्रेजों को जो था एक साथ धूल जो था वो चटवा। तो कुछ इस तरह की घटना जो था यहाँ पर हुई थी कसौली छावनी में। तो इस विद्रोह के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन इसके लीडर थे, क्या क्या यहाँ पर हुआ था, पता नहीं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दमदमा पैलेस इन मंडी वॉज बिल्ट बाय। तो मंडी का जो दमदमा महल है वो किसने बनवाया था, मंडी का दमदमा महल जो था इसका निर्माण सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए राजा सूरज सेन जो है वो सही आंसर है। अब राजा सूरज सेन के बारे में जानिए। देखिए सूरज सेन राजा जो थे ये मंडी के राजा थे, और इन्होंने जो था वो कमलागढ़ किला भी बनवाया था, इन्होंने मंडी में दमदमा महल भी बनवाया था। और मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जो अकबर के समकालीन थे, तो मंडी के जो राजा अकबर के समकालीन थे उनका नाम था राजा साहिब सेन। अगर पूछ लिया जाए कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत की स्थापना बाहू सेन के द्वारा की गई थी। और मंडी शहर जो मंडी सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी, तो मंडी की मंडी सिटी की स्थापना जो था वो राजा अजबर सेन के द्वारा
की गई थी। मंडी में भूतनाथ मंदिर भी है। भूतनाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसकी स्थापना भी राजा अजमेर सिंह के द्वारा ही करवाई गई थी। मंडी में जो है वो सॉल्ट की माइंस भी हैं। जहाँ कहाँ पर है ये? गुम्मा और द्रंग में सॉल्ट की माइंस है। पंचवक्रता मंदिर कहाँ पर स्थित है? पंचवक्रता मंदिर जो है ये भी मंडी में ही स्थित है। मंडी के एक राजा थे राजा ईश्वरी सिंह। राजा ईश्वरी सेन को जो था वो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बना लिया था, और 12 वर्षों तक जो था वो संसार चंद ने ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा था। संसार चंद ने कहाँ पर इनको बंदी बनाकर रखा था? नदौड़ में जो था इनको बंदी बनाकर रखा था। फिर मंडी रियासत जो था वो 1809 में सिखों के अधीन आ गई थी। कब आई सिखों के अधीन? ये 1809 में ये सिखों के अधीन आ गई थी। 160 में ये पूछते हैं पंगवाल्स आर, तो पंगवाल क्या है? पंगवाल पांगी में रहते हैं, इनको पंगवाल्स कहा जाता है। तो ये एक विवाही है, मोनोगैमस इनको कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, जो रोरिक आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो रोरिक आर्ट गैलरी नगर में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब रोरिक आर्ट गैलरी तो नगर में स्थित है, ये रोरिक स्थित कहाँ पर है? तो ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि नगर कहाँ पर स्थित है, नगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अब अगर बात करें शोभा सिंह आर्ट गैलरी की, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये अंद्रेटा में स्थित है। अंद्रेटा कहाँ पर पड़ता है? अंद्रेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर के समीप जो है ये है। अगर हम म्यूजियम्स में बात करें तो भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 1908 आप याद रखिएगा, भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में स्थापित किया गया। ये जो रोरिक आर्ट गैलरी है इसका नाम निकोलस रोरिक के नाम पर पड़ा है। ये जो निकोलस रोरिक थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म रशिया में हुआ था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अबॉड ऑफ लाइट किताब किसने लिखी? तो अबॉड ऑफ लाइट किताब जो था वो निकोलस रोरिक के द्वारा जो था वो लिखी गई। एलाइड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉप ऑफ लाइफ पेंटिंग जो है वो किसकी है? तो ड्रॉप ऑफ लाइफ पेंटिंग जो है वो निकोलस रोरिक की ये पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लामा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लामा झील कहाँ पर स्थित है? लामा झील जो है वो चंबा में पड़ती है। ऑप्शन ए चंबा इसका सही आंसर होगा। अब लामा झील चंबा में पड़ती है, चंबा में खजियार झील भी पड़ती है, मणिमहेश झील भी पड़ती है, चमेरा झील भी पड़ती है, महाकाली झील भी पड़ती है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो चमेरा डैम है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये 3 परियोजना है। इन तीनों परियोजनाओं को कौन सी एजेंसी एग्जीक्यूट करती है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। 162 में पूछा गया है देहर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये जो देहर है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? देहर जो है वो ब्यास की सहायक है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देहर तो ब्यास की सहायक है, ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता है, परंतु ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्यास की पहले तो सहायक नदियां आपको बतानी चाहिए। तो इनमें मुख्य रूप से आती है पार्वती आती है, मलाना आती है, सोलंग आती है, फोजल आती है, देहर आती है, हंसा आती है, तीर्थन आती है, जीवनी आती है, सुकेती आती है। ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। वैसे तो ब्यास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। एक बार HAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नदौड़ शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नदौड़ शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। और नदौड़ कहाँ पर पड़ता है? नदौड़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिक्या है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो कहीं से निकलती है। तो ये सब क्वेश्चंस आप याद रखिए इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, और जो भी हमने आप बताया वो सब याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।